कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर बहुत आरोप लग रहे हैं। कहाँ है गुटबाजी? आज पूरी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस लामबंद है, इकट्ठी है। गुटबाजी आपने देखी नहीं है, देखनी है तो देखिए भाजपा में। बीजेपी आज बदतमीज लोगों की पार्टी साबित हुई कि उन्होंने रामविलास जी शर्मा जैसे व्यक्ति को खा के बाहर फेंक दिया। जयप्रकाश जी, ब्रजेंद्र सिंह नरवाणा के अंदर तो प्रचार करने के लिए आ गए हैं, लेकिन उसके बराबर में उचाणा लगता है वहाँ प्रचार नहीं कर रहे हैं। ब्रजेंद्र, मैं जब वहाँ जाऊँगा तभी तो साथ रहेगा ना, 6 तारीख को साथ था मेरे। जयप्रकाश ठीक है या रणजीत सपूत है अपने बाप की, वो सरकार तोड़ रहा था, मैं बचा रहा था। विरासत पे दावा मतलब आप अभी भी कर रहे हैं? ना, मेरा कोई विरासत नहीं, विरासत उनकी है। आज जो मेरी भाषा है ये तो मेरी भाषा, प्यार भरी भाषा। थापी नहीं मारूं तो लाठी मारूं, लाठी मारी चौटाला परिवार ने भुगत लिया ना सड़क पे। हिसार लोकसभा सीट हॉट सीट है, यहाँ सभी की नजरें हैं कि इस बार का चुनाव परिणाम क्या होगा। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, 20 साल बाद फिर से कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ से कांग्रेस का खाता खुलेगा। जयप्रकाश को टिकट दिया है। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सवाल ये है, आपके पास कहते हैं कि कांग्रेस ने टिकट जरूर दिया है, गुटबाजी बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी को लेकर बहुत आरोप लग रहे हैं। कहाँ है गुटबाजी? आज पूरी भवानी खेड़ा की कांग्रेस मेरे साथ है, आज पूरी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की कांग्रेस मेरे साथ है, आज पूरी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस लामबंद है, इकट्ठी है। आप जो बात पूछना चाहते हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह, 6 तारीख को हम सब इकट्ठे थे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल मैं जाऊंगा उचाणा हल्के में, वो उनके वर्कर सारे मेरे साथ रहेंगे। आज देखो, ये बार बार ये कहना भाई कांग्रेस में गुटबाजी हैवी है, गुटबाजी आपने देखी नहीं है, देखनी है तो देखिए भाजपा में। रणजीत सिंह जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने गए, बीजेपी का एक भी हिसार जिला का क्षेत्रीय नेता शामिल नहीं, ना कैप्टन अभिमन्यु आए, ना कुलदीप सिंह का परिवार आया, ना दूसरे लोग आए। इवन रामविलास शर्मा जी जो, मैं ये कह सकता हूँ चाहे पार्टी में दूसरी में हूँ, हमसे भी सीनियर हैं, किस तरीके से उनको अपमानित किया। बीजेपी आज बदतमीज लोगों की पार्टी साबित हुई कि उन्होंने रामविलास जी शर्मा जैसे व्यक्ति को खा के बाहर फेंक दिया। 20 साल बाद मान लें कि कांग्रेस आपके माध्यम से फिर से खाता खोलेगी, आप ही जरिया बनेंगे। मानने की जरूरत नहीं, खाता तो आप लोगों के प्यार प्रेम सहयोग आशीर्वाद से खुल गया। जयप्रकाश जी, ब्रजेंद्र सिंह नरवाणा के अंदर तो प्रचार करने के लिए आ गए हैं, लेकिन उसके बराबर में उचाणा लगता है वहाँ प्रचार नहीं कर रहे हैं। गए क्यों? परसों थे ना हम 6 तारीख को इकट्ठे, 6 को इकट्ठे थे। मेरा दूसरा सिस्टम है, आज मैं यहाँ हूँ, कल उचाणा हूँ, परसों मैं शायद नड़ुआ हूँ, मैं एक ही दिन लगाता हूँ एक हल्के में, फिर चला। ब्रजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं? ब्रजेंद्र, मैं जब वहाँ जाऊँगा तभी तो साथ रहेगा ना, 6 तारीख को साथ था मेरे, जिस दिन उचाणा के दौरे थे उधर साथ था, अब हर रोज मेरे साथ कैसे रहेगा। सवाल ये भी है, आप कहते हैं कि मैं भी चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, वो जो आपके सामने 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं मैं तो बेटा हूँ, मेरे को वोट दो रणजीत, आपके बारे में तो सीधे सीधे वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं वो तो ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे और रणजीत चौधरी देवीलाल के वो नहीं थे। ये बात तो सही है कि मैंने ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया था, और ये बात भी सही है, बाप का जो पुत होता है कपूत भी हो सकता है, सपूत भी हो सकता है। रणजीत सिंह से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, समय बता दे, जो बेटा अपने बाप की कैबिनेट में मंत्री हो और अपने ही बाप की सरकार को तोड़े और सम्राट होटल में 10 MLA छुपा ले, और जयप्रकाश जो केंद्र में मंत्री हो उनको ल्याय पकड़ करके, जयप्रकाश ठीक है या रणजीत सपूत है कपूत है अपने बाप की, वो सरकार तोड़ रहा था, मैं बचा रहा था। विरासत पे दावा मतलब आप अभी भी कर रहे हैं? ना, मेरा कोई विरासत नहीं, विरासत उनकी है, उनके घर में मेरी लड़ाई क्यों करो, तो गरीब फेल हो लिया हमारा घर में लड़ाई ना। अभय चौटाला जी कह रहे थे अगर इतना प्यार है, इतना रिश्ता मजबूत था तो आ जाए NLD में। INLD आपने छोड़ दिया, बीजेपी के पास पहुंची हुई है, INLD का अपना स्थान नहीं है, INLD पेवर बीजेपी के लिए काम करती है, सबको पता है। मुकाबला किससे?
से मानकर चले आप लोग? मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से है थोड़ा मोटा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे एक सेगमेंट है अलग अलग। इसको पार्लियामेंट को समझने में और असेंबली को समझने में बड़ा अंतर है। हमारी असेंबली है सबसे मजबूत आज के दिन, जैसे आदमपुर, आदमपुर में रणजीत सिंह को लोगों ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। बिश्नोई फैक्टर काम नहीं कर रहा इस बार? नहीं, बिश्नोई तो कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन पार्टी में तो है। उनको तो बताया, बोला गया कि आप साथ दीजिए, मंत्रिमंडल में जगह है। अब मुझे नहीं पता क्या क्या है, वो तो वो जाने, लेकिन मुझे ये पता है कि बिश्नोई फैक्टर उसमें क्या करेगा। जिस तरीके से अपने मनोहर लाल जी ने चौधरी भजनलाल जी के स्वरूप सुधारने के बाद, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, मैंने आज तक कभी भी चौधरी भजनलाल के प्रति उन शब्दों अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा जो करप्शन की बात, लेकिन उस पर मैं साफ कर दूं, बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई ने खुद कहा कि नाम लेकर नहीं कहा गया, उनकी नाराजगी तो इस मसले पर दूर। भाई कुलदीप बिश्नोई तो उनकी पार्टी का है, लेकिन हमारा बिश्नोई समाज, हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी जो हमारा बुजुर्ग स्वर्ग में है उसके खिलाफ इस तरह के अपशब्द किया है, अपमान किया है। आदमपुर के लोग, नलवा के लोग नहीं मान रहे। तो कहीं कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है उसका फायदा आपको मिलेगा, आप मानते हैं? तो मुझे तो क्या पता, भी मुझे क्या पता कितनी नाराजगी एक नहीं है, मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ जयप्रकाश जी, मेरी पार्टी की, मेरे गठबंधन की बात। सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं हम लोगों की यहाँ पर किसान, भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको, मतलब सबसे ज्यादा सिरसा लोकसभा और हिसार लोकसभा सीट पर वो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है आप लोग? ये तो सही है, ये किसानों की धरती है। देखिए दो वर्ग है हमारे यहाँ मेजर, वैसे तो बहुत लोग हैं, किसान को देश का अन्नदाता कहते हैं, मजदूर राष्ट्र का निर्माता। आज मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, दोनों मिल गए। जब दोनों मिल जाते हैं तो ये समझो कि कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि नैना चौटाला पर हमला जेपी ने करवा दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। भाई देखो प्रजातंत्र है, अगर कोई ऐसा वीडियो उनके पास है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट करे, मैं मना नहीं करता। कानून को कोई हाथ में ले वो कंप्लेंट करे, वो करे, लेकिन वो हारी हुई फौज के सरदार है, वो भ्रष्टाचारी फौज के सरदार है। जब समय रहते हुए, जब इस देश का अन्नदाता, इस देश का मजदूर, इस देश की खिलाड़ी बेटी हमारी, जब वो अपमानित हो रही थी, ओपीएस के कर्मचारी अपमानित हो रहे थे, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के छोटे छोटे बच्चे गोद में, अरे आपकी हरियाणा की जालिम पुलिस उनको ठंडे पानी से भिगा रही थी, तो उस वक्त क्यों इनको दर्दाया? एक वीडियो आया था भवानीखेड़ा में भी कुछ दिन पहले, आपका बड़े गुस्से में थे, उसको विपक्ष ने ऐसे उठाया कि ये वही जेपी है जिस व्यक्तित्व के लिए, जिस वजह से वो जाने जाते थे, वो गुस्सा, एग्रेशन, वो गुंडागर्दी के आरोप। मैडम गुस्सा नहीं है ये, मैं तारे गल बोलूंगा तो हम भी कहते हुए गुस्सा है, मेरी भाषा ही यही है, मेरा डायलेक्ट है। एक बार क्या हुआ, संगमा जी स्पीकर थे, मैं पार्लियामेंट में बोला 97 में, तो मैं ऐसे ही बोल रहा, संगमा जी बोले साइलेंट जेपी, लो लो स्लो। मैं कह जी मैं तो ऐसे बोलता हूँ, बोला फिर तेज कैसे बोलते हूँ, और तरह का है। अगर संसद जाओगे तो ऐसा कौन सा काम है हिसार लोकसभा का जो पहली कलम से आप पूरा करना चाहेंगे? ये गुस्सा नहीं था, ये कार्यकर्ताओं से मेरा प्यार था। अब बात रहेगी, मैं पार्लियामेंट जाऊंगा, सबसे पहले मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, खोई हुई हमारी प्रतिष्ठा जो गठबंधन सरकार ने सत्यानाश करके रख दिया, आज मजदूर कुछ दुखी, आज किसान दुखी। जैसे ये आपकी अग्निवीर योजना बंद करवाने की लड़ाई लड़ूंगा, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, किसान के सम्मान की, किसान के भाव की लड़ाई लड़ूंगा, मजदूर का मिनिमम वेजेस और जो मिनिमम वेजेस जो लेबर लॉज लेकर के आए हैं वो मजदूर के बड़े खिलाफ हैं, मैं वो लड़ूंगा। जो नौजवान बच्चे हैं इनको रोजगार की जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, मोदी जी की गारंटी फेल होगी, 2-2 करोड़ हर साल बात कही थी नहीं दी, किसान की उपज के दाम डबल नहीं किए, एक काम बड़ा किया मोदी जी ने, कमाल कर दिया। जैसे वो बनारसी हुआ ना, पता नहीं कौन है बनारस में, कोई हुआ है कोई ऐसा सिस्टम, यूरिया 5 किलो घटा दिया वेट और रेट बढ़ा दिया, कितनी कलाकारी है।
जादूगर जयप्रकाश जी, आपके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि आपको एक नाम दे दिया थापी मार नेता, कि हाँ जेपी थापी मार नेता है, थापी मारता है लेकिन फोन किसी को अफसर को करता है तो लीड निकली हुई होती है। गजब प्रश्न पूछा भाई। सुनो सुनो, थापी नहीं मारूं तो लाठी मारूं? लाठी मारी चौटाला परिवार ने भुगत रहे ना सड़क पे। थापी मारना, वर्कर से प्यार करना, वर्कर से गला लगाना, ये प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। लाठी मारना, बदतमीजी करना, ये उस परिवार को आता है। लेकिन आपके ही एक वर्कर कह रहे थे हम गए काम के लिए और एसपी को इतनी जोर से धमकाया, बाद में कहा जी फोन की लीड तो निकली हुई है। पहला पूरी सुन तो ले भी भाई, कितने झूठे लोग है। पहला नुके कर दे उठ पर मर जाए, ताप भी नहीं चढ़ता। मोबाइल दिए भाई, ये मोबाइल की बात नहीं है, ये मोबाइल की बात नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब आप केंद्रीय मंत्री थे, उस टाइम की बात के लोग आज भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री जब था, जब तो उन बेवकूफों को ये समझा दो कि उस वक्त तो टेलीफोन ही गिनती के थे। पहली बार जयप्रकाश ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन जीता मैंने 53% वोट से। उससे अगला इलेक्शन जीता मैंने 57% वोट से, हरियाणा का हाईएस्ट। और अब की बार जीतूंगा 75% वोट से, क्योंकि जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं, मुझे चरित्रहीन नहीं कह सकता, मुझे भोग विलास की राजनीति करने वाला नहीं कह सकता, मुझे कोई भ्रष्टाचार नहीं कह सकता। भ्रष्टाचारी मेरी खुली छूट है। विपक्ष के सभी लोगों को जयप्रकाश का चरित्र लट्ठे के समान है। अगर और कोई ऐसा कहता हो तो मेरे दो राज्य। तो अब लड़ाई लोकसभा की रहेगी या विधानसभा की लड़ाई है? अभी तो क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट आप विधानसभा के लिए बेटे का भी मांग रहे हैं। देखिए, विधानसभा की लड़ाई बाद में होती है, आज लड़ाई है लोकसभा की, आज लड़ाई है देश को बचाने की, आज लड़ाई है संविधान को बचाने की, आज लड़ाई है प्रजातंत्र को बचाने की, आज लड़ाई है इंसानियत को बचाने की। नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर एक बड़ा विवाद है, आरोप लगे कि बहुत कुछ छुपा गए आप, आपराधिक रिकॉर्ड अपना छुपा गए, इनकम का मामला भी उठाया है, वकील पहुंच गए, ये क्या मसला है, क्या क्या छुपाया है? मैडम हमारे कहावत है देनी आवे बुनाई, घटिया बतावे सूत। इस के नाम है जो कैंडिडेट है मेरे सामने खड़ा, ये रणजीत सिंह ने जब तो ये बिग लाके, पहले तो क्या होता ना, असली चेहरा सामने, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी नहीं। रणजीत सिंह अपनी सूरत छुपा रहा है। जो पॉलिटिकल आदमी सूरत छुपाए वो किसी काम का नहीं। जिसने अपने परिवार के साथ दगा किया हो वो समाज का नहीं। और जिस व्यक्ति जो ये कहता है, देखिए मैंने कोई चीज छुपाई नहीं, लॉ क्या है, हमारे एक रूल एंड प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, असेंबली का। इसमें क्या है, जैसे ही हम पर्चा दाखिल करते हैं उसके बाद स्क्रूटनी होती है, ऑब्जेक्शन, सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है, हमने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया। अगर मेरा एफिडेविट झूठा है, गलत है, या मैंने मिसलीड किया है, या कहीं कंसाइलमेंट की है, तो उस दिन उन्होंने विरोध करना था, किया था, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने उसको सही मान लिया। उसके बाद ये चला जाता है परमिशन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन सिंबल अलॉट करता है। एक बार जब सिंबल अलॉट हो जाए, उसके बाद मैंने तो इनके लॉयर भी फेल है बीजेपी के, और रणजीत सिंह तो ईसाई तो न्यू कैस के मंत्रोसाम का किला भी हमने बनाया है, और देश का लाल किला भी हमने बनाया है। ये रणजीत सिंह का लोगों में कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए जो सोचे तो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, तो जेपी का फॉर्म रिजेक्ट कर दे। अरे भले आदमियों, बुद्धि थोड़ी सी तो ला लो, अब तो कोर्ट में जा सकते हैं, कैंसिल का तो मतलब ही नहीं। तो आखिरी सवाल है कि जेपी के बारे में जो कहा जाता है कि काफी गुस्सा है, दहाड़ जो है, जो अभी आपने कहा भी, वो दहाड़ जारी रहेगी या उसमें कुछ ठंडक दिखाई दे? अरे यार ये भी दहाड़ है, फिर दहाड़ तो वो तो भाग जाएंगे छोड़ के, एक वक्त में दहाड़ गया तो। ये तो प्यार है, आज जो मेरी भाषा है ये तो मेरी भाषा प्यार भरी भाषा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश जेपी अपने उसी अंदाज के अंदर हैं, अंदाज उनका आज भी नहीं बदला है, और वही कह रहे हैं कि अगर इसको भी लोग गुस्सा देखते हैं तो उनका प्यार क्या है। ये तो उनका जनता के प्रति प्यार है, और वही प्यार जो है वो 25 मई को वोट के अंदर तब्दील होगा। अब आने वाली 4 जून बताएगी कि वो किसको जिताती है,
किसको हराती है, और जो चौधरी देवीलाल की विरासत का असली वारिस कहते हैं जनता किसको असली वारिस बनाती है। कैमरामैन सनमप्रीत के साथ, सहयोगी सुदेश के साथ, अंकित उदानी, न्यूज 18।